नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अ टॉक विद स्पिरिचुअल हीलर मोक्षा अजय में। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे रिश्ते कहीं खोसे गए हैं। इन रिश्तों को हम कैसे संभाल के रखें और इस दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकें, ये बैलेंस हम कैसे बना सकेंगे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे मोक्षा अजय जी से। मोक्षा अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वागत है। मोक्षा अजय जी, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हमारे पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं बचा है। हम सिर्फ दुनिया की जो दौड़ चल रही है उसमें आगे जाना चाहते हैं और ऐसे में रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो फिर ये भागदौड़ किस लिए? अगर हमने रिश्ते ही जीवन में खो दिए तो फिर हमने कमाया क्या? जिसके पीछे भी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसका फिर लक्ष्य क्या है? अगर हम संसार में अपना जीवन ही लोगों को सहयोग देकर, उनको उनके साथ कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला कर नहीं चल सकते, फिर हम क्या कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता। तो जीवन में जितना जीवन अपने लिए ज़रूरी है, उतना ही रिश्ते भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो हमें रिश्तों की कदर तो करनी चाहिए और उनको, एक हर रिश्ते को एक प्रेम और सम्मान के साथ हमें अपने जीवन में लेके चलना चाहिए। मोक्षा अजय जी, आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, ऐसे में आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, दोनों कोई टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ऐसे में रिश्ता मजबूत नहीं होकर कड़वाहट ज़्यादा आ जाती है और एक दूसरे से वो अलग रहना पसंद करने लगे हैं आजकल। इसके लिए वो कैसे बैलेंस बनाए? फिर मुझे लगता है कि फिर शादी के क्या मायने हैं अगर एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यवसाय का तनाव है, बिजनेस का, काम का जो भी प्रेशर है, वो घर पे नहीं लाना चाहिए दोनों को। जहाँ काम ख़त्म हुआ वहीं पे सब कुछ मेंटली सब छोड़ के आना चाहिए और घर आकर फिर एक नई ऊर्जा से, एक रिश्तों को उत्साह से जीना चाहिए, ताकि अगर दूसरे की ऊर्जा कम है तो वो भी आपकी वजह से ऊपर उठ जाए। और घर में मिलके सब काम करने चाहिए जहाँ दोनों वर्किंग है, और अगर खाना वाना इकट्ठे खाते हैं और पूरे दिन की आपस की चर्चा करते हैं कि क्या हुआ पूरे दिन में, कैसे क्या, और एक दूसरे को सुनते हैं, तो मुझे लगता है फिर रिश्तों में मधुरता बनी रहती है उससे। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर बाहर काम का कोई टेंशन है तो घर आके एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से अच्छा है कि एक दूसरे से शेयर करें। हाँ जी, वो सभी परिवारों में, मतलब हर व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि काम के प्रेशर को, तनाव को कभी भी अपने घर के रिश्तों पे या किसी भी रिश्तों पे नहीं लाना चाहिए। इतना आपको सबको बैलेंस करना आना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कितना क्वालिटी टाइम देना है और कहाँ पे मुझे अपने आप को बाहर लेके आना है, ताकि उसका इम्पैक्ट मेरे दूसरे रिश्तों पे ना आए। आजकल ये जो टाइम वाला इशू है ना, ये बच्चों के साथ भी बहुत है, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, घर बहुत बड़े हो गए हैं और सबके अपने अपना स्पेस है। बच्चे अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो सारा दिन मोबाइल एंड लैपटॉप, बस इसी में ही सारा समय बिताते हैं। तो बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं है बीच में, सब अकेले अपने ही दुनिया में जी रहे हैं, उससे आपस में उन लोगों की कोई बॉन्डिंग नहीं रह रही है। तो उससे पेरेंट्स भी, ऑफिस का, काम का, बिजनेस का एक तनाव अलग है पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन बच्चे उनके क्लोज नहीं है, इस चीज़ का भी उनके मन में बहुत तनाव रहता है। उसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ तो पेरेंट्स को ही मैं कहूँगा कि उनको पूरा समय अपने बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को नहीं समय देंगे, उनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो फिर कल को बच्चे भी आपको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, और फिर कल पेरेंट्स ही शिकायतें करेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारा बच्चा वैसा हो गया। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम तो बहुत जगह पर देखने को मिल रही है। कुछ भी है, बच्चों को तो अपना समय देना ही पड़ेगा, और उनको ज़रूरत भी है और उनका हक भी है, तो इट्स फाइन। ये पेरेंट्स को समझना होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बच्चों के साथ बिता सके, और बच्चों के साथ अगर दोनों पेरेंट्स साथ में होते हैं तो फिर तो और ही बहुत
अच्छी बात है तो बच्चा बिल्कुल उनके साथ अच्छी तरह से ग्रो करता है। और एक चीज़ और, बच्चा तो वही सीखता है, वही बनता है जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है, बोलते हुए नहीं, जो उनको करते हुए देखता है। तो एक प्रैक्टिकल वे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को संभालना चाहिए, उनको पूरा सहयोग देना चाहिए। मोक्षाचार्य जी, बच्चे अपनी दुनिया में इतना बिजी होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, पर बच्चे भी पसंद नहीं करते आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। अब जिनको तो आदत पड़ गई है बच्चों को कि वो बड़े लंबे समय से अकेले ऐसे ही रहते आए हैं, तो वो फिर अभी थोड़ा सा भीतर कुंठित भी रहते हैं इस बात को लेके कि उनको समय नहीं मिला। वो फिर एक अपनी नाराज़गी भी पेरेंट्स से ऐसे ही जाहिर करते हैं कि अगर उन्होंने किस जब समय की ज़रूरत थी उनको नहीं दिया, तो फिर अब वो भी रुचि नहीं रखते उसमें। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा जिनके बच्चे छोटे हैं कि उन बच्चों को पूरा समय उनको उनके साथ समय बिताना चाहिए, एक दोस्ती की तरह उनके साथ चलना चाहिए और उनको समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो मुश्किल आती है कि उसको उनको लगता है कि मुझे सुना नहीं जाता और पेरेंट्स अपनी मर्जी मुझ पर थोपते हैं, जिससे वो थोड़ा भीतर ही भीतर एक नाराज़गी, आप कह सकते हो कि समय आने पर एक हल्का सा वो बदले का रहता है कि पेरेंट्स ने मुझे ऐसे नहीं किया, मैं पेरेंट्स के साथ ऐसा करूँगा। तो ये नहीं होना चाहिए, अभी से ही हमें बच्चों को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो हम बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर हम वही संतुलन ना हम रख पाएं तो फिर हमने क्या करेंगे, उसका कमाई का भी क्या करेंगे, इतना काम करके भी क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बैलेंस कैसे बने, कैसे बच्चों को टाइम दे, जॉब भी करना ही है, व्यवसाय करना ही है। हाँ, वो देखिए उसमें हस्बैंड वाइफ का जो मुझे लगता है कि उनका कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है कि इतना समय बच्चे को आप दे सकते हैं, फिर यहाँ मैं संभाल लूँगी, फिर हम दोनों मिलके, अब छुट्टियाँ भी तो आती हैं, पूरे छुट्टी वाले दिन आप अगर बच्चे के साथ पूरा दिन व्यतीत करते हैं और उसको उसकी भावनाओं को उसको सब सुनते हैं समझते हैं, तो फिर वो एक बच्चा एक संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है कि हाँ पेरेंट्स मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। प्लानिंग से सब कुछ हो जाएगा, ये भी तो सब एकदम हमें अवेयरनेस रखनी पड़ेगी हर चीज़ की, हम जो भी कर रहे हैं उसको कैसे हम क्वालिटी से कर सकें। बिल्कुल, मतलब एक प्लान के साथ उसको किया जाए कि कैसे हम बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। हाँ जी, और कैसे हम एक परिवार को इकट्ठा बना के चल सकें जिससे सब खुश रहें और आने वाले समय में हमें कोई रिश्तों को लेके प्रॉब्लम ना है, ना आपस में हस्बैंड वाइफ को ना बच्चों के साथ। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चों को अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को सुना नहीं जा रहा जैसे आप बता रहे हैं, तो बच्चों में एक डिप्रेशन भी आता है। आप देखो अब सब तरफ यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उभर कर आ रही है कि बच्चे एकदम से अपनी जैसे ड्रिंक्स में चले गए, बहुत से केस मेरे पास आते हैं ड्रिंक्स में चले गए, बच्चों के सुनते नहीं और उनकी जो स्वभाव है, व्यवहार है, वाणी, उन सब में बहुत सी कठोरता आ गई है। तो वो अभी से उन पे काम करना पड़ेगा क्योंकि कल को फिर उनको वहाँ से उस स्टेट ऑफ माइंड से वापस लाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तो फिर भी कुछ किया जा सकता है, तब तो आप करना भी चाहोगे तो भी आप वो करके उनको वापस नहीं ला पाओगे। बिल्कुल, तो बच्चों को टाइम देने के लिए एक हर चीज में आपको संतुलन बनाना होगा, क्योंकि रिश्ते तो बहुत ही वैल्यूएबल है, हम उनको ऐसे ही सस्ते में नहीं गवा सकते, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, या जितने भी हमारे आसपास हमारे रिलेटिव्स हैं। मुझे लगता है उन सभी रिश्तों में एक मधुरता लानी चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं है अब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो अभी से संभल जाए, रिश्तों को अभी से संभालना शुरू करें सभी। बिल्कुल, तो जैसे आपने बोला पेरेंट्स, पेरेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक एज आ गई है, वो एक तरीके से आइसोलेशन में चले गए हैं, बच्चों के पास दादा दादी के लिए टाइम नहीं है, वर्किंग है बहू बेटा, उनके पास टाइम नहीं है,
और एज हो गई है, कहीं बाहर ज़्यादा आ जा नहीं सकते, ऐसे में वो बहुत अकेलापन फील करते हैं, तो वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए उनका हक भी है कि अपने पूरे जीवन उन्होंने समय दिया, बच्चों को बड़ा करने में सब कुछ दिया, लेकिन आज अगर बच्चों का समय नहीं मिलता, अब उनको जीवन में और क्या चाहिए? अब बच्चों का समय ही चाहिए, और वो अगर इसके लिए तरसते रहते हैं तो फिर हम तो अन्याय कर रहे हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सब बिजी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ एक आधा घंटा एक घंटा बैठ के उनके दुख सुख में उनको भी सुनते हैं, उनके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, उनके साथ खाना वाना भी खाते हैं, या तो इसी से उनका भी हम अपना फ़र्ज़ हम बच्चे होने का एक पूरा ऐसे कर सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। नहीं तो फिर कल को वो जब नहीं रहेंगे, सबसे ज़्यादा गिल्ट मैंने लोगों में यही देखा है कि मैं सेवा नहीं कर पाया, मैं उनको समय नहीं दे पाया, तो वो फिर वो बच्चे गिल्ट में चले जाते हैं। तो हम तो हर पहलुओं पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ आप कुछ मिस कर रहे हैं, वहाँ अपने जीवन को समेटिए, संवारिए, और अपने रिश्तों को जितना हो सके उतनी मिठास दीजिए, उनका उतना डेवलप करें, तो जीवन फिर निखरेगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर हम बच्चों को और पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम देते हैं तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हमारे हैं, हमें अगर ये हमारी केयर कर रहे हैं तो हमें भी इनकी केयर करनी चाहिए। वो और ये भी है ना, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी पेरेंट्स की कदर नहीं कर रहे, उनको समय नहीं दे रहे, तो कल को फिर बच्चे भी तो वही देख के आपके साथ, तो वही तो जो बीजते हैं हम, वही हमें काटना पड़ता है। हाँ जी। तो फिर कल के लिए हम तैयार हो जाएं, जैसा आज हम अपना बनाएंगे हमें कल को वही देखना है। बिल्कुल सही बात है मोक्षा अजय जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो वर्किंग हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे को भी टाइम दे, बच्चों को भी टाइम दे, पेरेंट्स को भी टाइम दे, उनके पास कहाँ से इतना टाइम आएगा? वो अपने लिए टाइम कैसे निकाले अगर बच्चों और पेरेंट्स को टाइम दे दिया? मैं वनीता जी अध्यात्म के रास्ते पे एक चीज़ कह सकता हूँ क्लियरली, कि जो भी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं देखता हूँ कि वो ये खुद नहीं कह रहे हैं, ये उनका तनाव कहता है हमेशा। जहाँ वो इम्बैलेंस होते हैं, जहाँ समय को मैनेज नहीं कर पाते, वहाँ ऐसी बातें आती हैं। लेकिन जो कैपेबल होता है, जो विवेक सूझबूझ और रिश्तों की वैल्यू को जानता है, वो कैसे भी करके हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। और सबसे विवेक और सूझबूझ की बात तो ये है कि अगर सब इकट्ठे मिलके एक टाइम पे, अगर जैसे 3 मील हैं दिन में, तो एक समय का खाना जब सब इकट्ठे होके खाते हैं, उससे मुझे लगता है जो खालीपन है, जो एक पूरे परिवार का जो एक रिक्वायरमेंट है, वो सबकी एक साथ पूरी हो जाती है। तो कैसे भी कर सकते हैं, बस एक सूझबूझ, समझ, विवेक और सजगता, ये सब लानी होगी। चाहे तो देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रिश्तों को बिखेर भी सकते हैं, उनको दोष भी दे सकते हैं, शिकायतें भी कर सकते हैं, और वहीं हम सबसे पहले आगे बढ़कर हम हर चीज़ को संभाल भी सकते हैं। ये सिर्फ आपका जीवन का दृष्टिकोण है, आपका नज़रिया है कि आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अगर वही आप जीवन को तनाव में जीना चाहते हैं, शिकायतों में जीना चाहते हैं, आपके पास चॉइस है। वही जीवन को आप हंसी खुशी, प्रसन्नता से, मस्ती से जीना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। अब शिकायत की बात मैं करूँ तो पति और पत्नी में शिकायत तो रहती है बीच में कि बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, पेरेंट्स की जो मन होता है वो करते हैं। अब वाइफ को लगता है मैं क्या करूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, हस्बैंड भी मेरे पास टाइम नहीं दे रहे, मेरे को बच्चे भी अपने में लगे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे बड़ों का मान सम्मान भी रखना है, ऐसे में बैलेंस कैसे बना? कहते हैं हर समस्या अगर आती है तो उसका समाधान उसके पीछे ही खड़ा रहता है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो जीवन में जहाँ जहाँ हमें ये समस्या लगती है रिलेशनशिप में,
वहीं वहीं समाधान भी है। सिर्फ हमें ज़रूरत है अपनी आंखें खोलने की, अपना दिल खोलने का और अपनी बाजुएं खोल के दोस्तों का स्वागत करने का। तो हम कैसे भी अच्छे से किसी भी रिश्ते को, किसी भी परिस्थिति को हम कैसे भी संभाल सकते हैं, बस हमारे भीतर एक वो प्रेम वो सब होना चाहिए दूसरों को देने के लिए, तो फिर कोई कमी नहीं है। आप करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, अगर हमारे अंदर प्रेम और समर्पण है परिवार के लिए तो समय भी निकाला जा सकता है और शिकायतों का दौर भी कम किया जा सकता है, सभी रिश्तों में मधुरता आएगी। शिकायतें तो मैं मानता हूँ कि जीवन में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिकायतों से फिर आप अपने भीतर ही एक ऐसा खालीपन ले आते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। ना अपने जीवन में शिकायतें होनी चाहिए, ना कोई आत्मग्लानी, ना पश्चाताप होना चाहिए, ना ही भविष्य का भय और कोई चिंता होनी चाहिए। अगर ये सब होता है तो फिर जब हम एक प्रेजेंट में अपने एक प्रेम को, अपने स्वभाव को लेके चलते हैं, वही जब हम प्रेम और अपनी जो हम दिल से दूसरों को देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में जब देते हैं, तो फिर हर तरफ एक कह सकते हो कि रिलेशनशिप में फूल खिलने लगते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर रिश्तों को सीरियसली लिया जाए। रिश्ते तो बहुत ही ज़रूरी हैं और हमारे जीवन का एक अंग है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि रिश्तों से ही तो आपकी परख होती है कि आपने जीवन में क्या कमाया। आपने सिर्फ धन कमा लिया, एक शोहरत कमा ली, लेकिन आप भीतर अकेले रह गए, आपने कोई रिलेशनशिप नहीं कमाई, आपने प्रेम नहीं कमाया, तो फिर उसका क्या फ़ायदा जो आपने कमाया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और सवाल है, आया भी है, जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो एक सवाल भी आया है कि पति पत्नी दोनों वर्किंग है, जॉब करते हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी अगर हम एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं रिश्तों में, तो पति पत्नी एक दूसरे पे शक भी करते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है ऑफिस का, तो वो चीज़ें कैसे मधुर करी जा सकती हैं? यहाँ मैं पति पत्नी के रिश्ते को लेके कहूँगा कि दोनों को पहले तो सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में एक दूसरे को पूरा सम्मान देना चाहिए। ना पति को ना पत्नी को किसी के आगे अपने पति या पत्नी को बुराइयाँ या कमियाँ या निंदा नहीं करनी चाहिए, और हर जगह पे उसको बल्कि प्रोत्साहन ही देना चाहिए, जिससे एक दोनों में आपसी तालमेल बहुत फिर अच्छा बैठता है, शिकायतें वहाँ पे नहीं आती। और घर के कामों में पूरा सहयोग देना चाहिए एक दूसरों को बस, और एक प्यार के वातावरण में जिए, इससे बढ़िया फिर जीवन मुझे नहीं लगता कि और कुछ होना चाहिए। वाइफ को अगर हस्बैंड घर के कामों में हेल्प करे तो करना चाहिए, वाइफ तो खुश रहेगी पूरे। अगर वो दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं, दोनों कमा सकते हैं, तो घर का काम इकट्ठे करने में क्या मुश्किल है। बस हाँ, थोड़ा सा हस्बैंड को है कि वाइफ की थोड़ी सी, जैसे फीमेल का स्वभाव होता है कि उनको थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है, सराहना चाहिए होती है, और बस प्रेम भरे बोल उनको चाहिए होता है, कि जैसे सिर्फ इतना ही पूछ लेना हस्बैंड का वाइफ को कि तुमने खाना खा लिया, इतने में ही बहुत बड़ी बात उनके लिए हो जाती है। और वहीं पत्नी को अपने पति की ईगो को थोड़ा सहला देना चाहिए, क्योंकि हमेशा मेल को ज़्यादा होता है कि मैं सही हूँ, तो तुम यहाँ पे सही नहीं हो, तो हाँ ठीक है आप सही हो, लेकिन अगर इसी से उसको तसल्ली मिलती है तो वो दे देनी चाहिए, मुझे लगता है कोई ज़्यादा खिंचतानी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है मुशा अजय जी, कि एक बैलेंस तभी बनेगा जब हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझें। और हर रिश्ते में आप देखिए गिव एंड टेक है, जितना आप दोगे उतना दुगना होकर वापिस आएगा। आप नफरत देते हो, गुस्सा देते हो, ईर्ष्या देते हो, उतनी वहाँ से वापस आएगी। वहीं जितना आप प्रेम देते हो, सम्मान देते हो, वो भी उतना होके वापस आएगा। तो जब आप ये समझ जाते हो जो मैं दे रहा हूँ वही मुझे वापस आ रहा है, तो फिर आप समझ जाते हो कि अब मुझे आगे जीवन में इस रिलेशनशिप में क्या देना है और कैसे देना है, कब देना है। जब आप समझ जाते हो फिर एक रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते जाते हो, मधुरता आ जाती है। आप ही ला सकते हो,
और किस कोई नहीं ला सकता, आपने ही लानी है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपका स्वभाव, व्यवहार, वाणी सामने वाले व्यक्ति के लिए जितना दिल से होगा, जहाँ आप अपने किसी स्वार्थ और लालसा की पूर्ति में नहीं जाएंगे, जहाँ हम प्रेम से उनके विचारों को, भावनाओं को सम्मान देते जाएंगे, वहीं पे आप देखना कि वो भी आपसे दिल से जुड़ते ही चले जाएंगे। फिर मोक्षा आचार्य जी, जैसे आप कह रहे हैं कि व्यवसाय की या वर्क प्लेस की हमारा जो काम है उसकी टेंशन घर नहीं लेके आए, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ थोड़ी खींचातनी, तनातनी, भागम भाग, एक दूसरे से आगे निकलना, ईगो, सब चलता रहता है, तो वो तनाव तो साथ में रहता ही है। कोई हमारे दिमाग में स्विच तो है नहीं कि घर आ गए अब तनाव नहीं रहेगा। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यवसाय का तनाव है वो घर पे नहीं लाना चाहिए। माना कि कंपटीशन है, वहाँ पे दौड़ है एक दूसरे के बीच में आगे निकलने की, अपने टैलेंट को, अपनी प्रोडक्टिविटी को दिखाने की वहाँ पे, लेकिन ठीक है, वो तो चलता रहेगा दौर, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो उससे मेरे निजी ज़िंदगी में कोई इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए। तो फाइन, जब हम क्लाइंट्स के साथ भी हम कोई कंपटीशन में नहीं रखते अपने आप को और उनको भी सहयोग देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी कहीं से भी तनाव आने की गुंजाइश नहीं रहती है जीवन में। जैसे कलीग्स होते हैं उनके साथ भी वर्क प्लेस पे हमारी प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई ना कोई बात पे बहस हो ही जाती है, तो ऐसे में हम वर्क प्लेस में अपने कलीग्स के साथ कैसे रिश्ते मजबूत कर सकते हैं? हमें अपनी तरफ से हर किसी से एक सहयोग देकर चलना है। सामने वाला हमसे कैसे व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे अपने जीवन में किसी का तनाव अपने जीवन में नहीं लेकर आना, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम किसी को रोक नहीं सकते, उनके ओपिनियंस को, उनकी जो वाणी को हम नहीं रोक सकते, वो जो बोलना चाहें, जो वो हमारे निंदा करें, बुराई करें, कमियां निकालें या व्हाटएवर, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हम अगर अपना काम अपने तरीके से, पूरी पैशन से और पूरी लगन से हम करते जाएं, तो बस फाइन, अपना चलते रहें, बस फिर परवाह नहीं करें कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, जो मेरा काम है वो मुझे परफेक्ट करना है और मुझे घर पे भी परफेक्ट रहना है। जहाँ भी मैं हूँ वहाँ मुझे हर चीज़ एक परफेक्शन में करनी है। जब आप ऐसे चलते हैं जीवन में, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई रुकावट आती है जीवन में। एक बैलेंस बनाना चाहिए। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए बस कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फाइन। तो इस बैलेंस बनाने में, मधुर रिश्ते बनाने में आध्यात्म का क्या रोल है? वेरी गुड क्वेश्चन। अध्यात्म तो आपके भीतर जो भी आक्रोश है, जो भी आपके विकार हैं, जो भी रिलेशनशिप को लेके आपके डाउट्स हैं या आप चिढ़ते हैं, व्हाटएवर, जो भी आपके भीतर चल रहा है, अध्यात्म उसको रिलीज करता है और वो सब को वहाँ से निकाल के आपके भीतर एक प्रेम लेकर आता है। वही प्रेम फिर दूसरों की तरफ जब बहना शुरू होता है, अब देखिए, एक फूल की जो खुशबू है वो एक तरफ नहीं जाएगी, वो फूल की खुशबू चारों तरफ होगी। तो ऐसे ही आपके प्रेम की होती है कि जो भी फिर आपके सराउंडिंग्स हैं, चाहे वाइफ है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, व्हाटएवर, जो भी आपके संपर्क में आता है, वो आपसे कुछ प्रेम लेके जाता है, कुछ अच्छा लेके जाता है, कुछ आपसे सीख के जाता है। मतलब इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, अध्यात्म के लिए भी टाइम। अध्यात्म के बिना तो जीवन अधूरा है, क्योंकि ये सृष्टि देखो हमें कितना प्रेम करती है, कैसे हमारा उससे एक तालमेल है। अगर हम अपना रिलेशनशिप अपनी ईश्वर से देखें, सृष्टि से देखें, तो क्या कहीं हमें कुछ भी उसमें विकार नजर आते हैं? नहीं, हमें ऐसे लगता है कि उसने बहुत अच्छी तरह से हमें संभाला हुआ है। तो ऐसे ही जब जीवन में हम उसको, अपने आप को समर्पित करके चलते हैं अध्यात्म में, तो फिर वो आपके थ्रू ही आपके सारे सराउंडिंग रिलेशंस को भी आपसे अच्छी तरह से जोड़ देता है। बिल्कुल।
अगर कोई इतना परेशान है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो वो क्या आपसे इस बारे में बात कर सकते हैं? 100 बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। और हमारा तो देखिए, मेरा जो लक्ष्य है जीवन का वो यही है कि जितने भी अपने सराउंडिंग्स हैं, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, मैं कम से कम उनको उनके रियलाइज़ करा सकूं कि जीवन क्या है, उसको कैसे जीना चाहिए और उससे उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, मेडिटेशन के थ्रू, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, उनसे काउंसलिंग से, कि जीवन में कुछ भी नहीं रखा कि हम किसी भी रिलेशन को ऐसे ही ख़राब कर दें। जितना हो सके सबसे रिलेशनशिप बनाते जाएं, उनको संभालते जाएं, प्रेम की एक आधार लेके चले, तो जीवन बहुत ही सुंदर है। मैं आपको सच्ची बताऊं तो बहुत ही बढ़िया, एकदम मेरे पास शब्द नहीं, आप कह सकते हैं सिर्फ अनुभव है उसका। तो जर्नी टू मोक्ष है जो, इसमें एक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बिल्कुल, हमें जीवन में प्रसन्न रहना है, हमें अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, हमें अपने व्यवसाय में अपने आप को कैसे लेके चलना है, वहीं हम अपनी हॉबीज़ को भी कैसे जीते हैं, और फिर वहीं हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी जीवन में कैसे अप्लाई करके जीवन को हम एक दिशा की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये सभी पहलुओं पे हम चलते हैं तो फिर एक तृप्ति भीतर महसूस होने लगती है, कंप्लीटनेस जिसको संपूर्णता कहते हैं वो आने लगती है। तो मुझे लगता है कि जब इस राह पे हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर हम मोक्ष की राह पर आगे निकल जाते हैं। तो मोक्षाचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को रिश्तों में मधुरता कैसे बनाए रखें, इसके ऊपर कोई अगर मैसेज देना चाहे? हाँ, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे ईश्वर हमसे जो रिश्ता रखता है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, कुछ भी उसकी पाने की चाहत नहीं होती, तो ऐसे ही हमें अपना रिलेशनशिप भी सबसे देने की तरफ होना चाहिए कि हम जो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं वो प्रेम सम्मान, लेकिन उनसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, तो फिर हम रिश्तों की अहमियत में खरे उतर जाते हैं। वहीं जीवन में अगर हमने रिश्ते नहीं कमाए, हमने प्रेम नहीं कमाया, तो फिर हमने इसके अलावा जो भी कमाते हैं वो जीवन के अंत में हमारे काम नहीं आता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को जितना हो सके संभाल के रखें, क्योंकि यही हमारी सही संपत्ति है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।